हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर से हमारी एक नई क्लास के साथ शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सोलार सिस्टम के बारे में। हम कहाँ रहते हैं, कहाँ हमारे नेबर्स प्लैनेट कौन से हैं, बीच में सन है कि प्लैनेट्स हैं, हाँ, ये सारी चीज आज हम पता करने वाले हैं। हम अपना पूरा लोकेशन चीज आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी पूरी क्लास यहां से। उम्मीद है आप लोग टेबल पे बैठ चुके हैं, कॉपी और पेंसिल पेन लेके बैठ गए हैं ताकि जितना हम पढ़ेंगे वो साथ ही साथ लिखते और पढ़ते भी चलेंगे ताकि समय ना वेस्ट हो। चलिए आइए पहला स्लाइड देखते हैं। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये आपने हमेशा देखा होगा कहीं वॉलपेपर पे, टीवी पे, कहीं पे भी। इसका नाम है गैलेक्सी। हमारे पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सी जो है बहुत टाइप के गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, मगर हम ये गैलेक्सी को इसलिए पढ़ रहे हैं, ये एक गैलेक्सी है क्योंकि ये गैलेक्सी वो है जिसमें हम लोग रहते हैं। हम लोग के गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। हम लोग के गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। अगर आप ध्यान देंगे इस गैलेक्सी को अगर हम जूम करते हैं, तो इस गैलेक्सी को हम जूम कर रहे हैं और इसमें मिल्की वे इसका नाम है। इसको हम अगर जूम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे आपको एक चीज दिख रहा है। दिस इज आवर सोलर सिस्टम। समझ में आया आपको? हमारा सोलर सिस्टम कहां पे है? गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है। मिल्की वे को अगर हम जूम करते हैं, वहां पे हमारा एक छोटा सा स्टार की तरह जो चमकता है दिखता है, वो है हमारा सोलार सिस्टम। और वो पूरे सोलार सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे हम रहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहां पे आप यही देखिएगा कि ये है हमारा सोलार सिस्टम, ये है हमारा सोलार सिस्टम। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में। सोचिए पूरी दुनिया कितनी बड़ी है कि जिसमें से हम एक डॉट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो डॉट भी इतना बड़ा है, वो देख सकते हैं आप कितना बड़ा है ना। तो ये अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। छोड़िए इसको, हटाइए, आइए नेक्स्ट है। ये एक मैप है आपका। किस चीज का मैप है? सोलर सिस्टम का मैप है। बिल्कुल सही बात है, हमारा सोलर सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। सेंटर में सन है और बाकी सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के रिवॉल्व करते हैं। सन अपनी ही जगह पर रहता है, सन नहीं हिलता है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स सन को रिवॉल्व करते रहते हैं, अपने अगल बगल, सन के अगल बगल वो घूमते रहते हैं। प्लैनेट्स नहीं घूमते हैं, सन नहीं घूमता है, प्लैनेट्स घूमते हैं सन के इर्द गिर्द। चलिए अपने अंतरिक्षयान पे बैठते हैं और पूरा हम लोग स्पेस की ट्रैवल पूरा करते हैं। कौन सा प्लैनेट कहाँ है, कैसे है, ये सारा हम आज ट्रैवल करने वाले हैं। तो अपना सूट बूट सब पहन लीजिए। स्पेस में जाने से पहले सबसे पहले हम एक चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो चीज है सन। लपटे निकल रही है, बहुत ज्यादा गर्म है यहाँ पे, ठीक है जी। सन जो है वो ह्यूज बॉल की तरह हमें दिखता है, बहुत बड़ा बॉल, बहुत ज्यादा बड़ा बॉल है ना। और जब सन को हम देखते हैं, जब भी आप अपने घर से सन को देखोगे तो अक्सर हमें येलो और रेड व्हाइट कलर का दिखता है सन। थोड़ी देर झटके में देखेंगे तो येलो कलर का सन दिखेगा, बहुत टाइम तक देखते रहेंगे तो आप देखेंगे वो रिंग की तरह बन के वो व्हाइट कलर का हो गया है ऐसा। और अगर आप स्पेस से देखेंगे, यानी कि हमारे अर्थ से बाहर निकल के देखेंगे, तो सन का कलर जो होता है वो सिर्फ व्हाइट होता है। हमें ये येलो कलर क्यों दिखता है? ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, उसके कारण हमारा जो सन का कलर है वो वेरी करता रहता है, येलो, व्हाइट, कभी कभार ऑरेंजिश ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो आइए सन के बारे में देखते हैं। सन जो है, साइज जो सन का है, जो ह्यूज बॉल ऑफ अ हॉट गैस। सन बहुत बड़ा बॉल है और वो गैसेस से भरे हुए होते हैं, वही हमेशा बर्न करते रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सब पूरा रिलीज होता रहता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग और इतना ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। आगे आते हैं कलर। कलर मैंने अभी बता दिया है, कलर हम लोग अगर अर्थ से देखेंगे, हम अगर हम जमीन से अपने यहां से देखेंगे सन को, तो हमें येलो एंड व्हाइट कलर दिखेगा। अगर हम अर्थ को छोड़ के बाहर निकल के स्पेस से देखेंगे तो हमें सन का कलर जो है वो व्हाइट कलर में दिखेगा। बहुत सीधी बात है, हीट, सन की जो गर्मी है, सन अप्रोक्सली 10,000 डिग्री फारेनहाइट गर्म रहता है। सोचिए इतना गर्म कि हम उससे, हम लोग यहां अर्थ पे रहते हैं फिर भी हमें सन की गर्मी काफी ज्यादा फील होती है।
है ना, मई जून में तो काफी ज्यादा गर्म रहता है, इतना ज्यादा उसका वो होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सन हमें प्राइमरी सोर्स जो लाइट का है वो हमें सिर्फ सन से मिलता है। सन का एक और काम होता है, सन हमें जब भी सन बाहर आता है तो दिन हो जाता है, और जब सन जाता है तो रात हो जाता है। जब सन राइज होता है तो मॉर्निंग होता है, और सनसेट होता है तो नाइट हो जाता है। और सन एक और काम बहुत बेहतरीन करता है, जो प्लांट को खाना बनाने में भी मदद करता है, जो प्लांट को खाना बनाने के लिए भी मदद करता है। इट्स लाइक सन हेल्प करता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस में भी। ये क्लास मैंने ले चुकी है फोटोसिंथेसिस वाला, लिंक हो सके मैं लिंक ऐसा करती हूँ कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपका लिंक कि सन कैसे हेल्प कर रहा है प्लांट को फूड बनाने के लिए। चलिए अभी फिलहाल यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो एनर्जी सेंस के एनर्जीज भी आजकल से हम काफी यूज कर रहे हैं। सन की एनर्जी हम यूज कर रहे हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और वो किस रूप में यूज कर रहे हैं, हम सोलार एनर्जी के रूप में यूज कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे सोलार पैनल्स हमारे छत पे काफी लगते जा रहे हैं, और फिर उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फॉर्म में, और फिर हम बिजली लाइट वाइट जला सकते हैं, ठीक है जी। सन का ये सिस्टम हो गया, अब आते हैं सन का एनर्जी हो गया टाइम। अब सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही था सन आ गया। अब आइए हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेन प्लैनेट्स है हमारा, ये रहा हमारा ऐसे सेटअप, सब बहुत बड़ा सन है, उसके बाद धीरे धीरे एक 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 लाइन से हम प्लैनेट्स की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम सन से जो नियरेस्ट प्लैनेट है ये छोटा वाला, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस छोटे वाले का नाम क्या है, देखिए सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट भी यही है, सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट भी यही है, और इसकी साइज भी देखिए एकदम छोटू सा। हाँ? इस छोटू वाले प्लैनेट का नाम है मरकरी। इस छोटू वाले प्लैनेट का क्या नाम है, मरकरी। ये सन के सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो सन के क्लोजेस्ट है तो ये गर्म भी तो बहुत होगा ऑब्वियसली। अगर किसी आग के सामने आप सबसे करीब जाके बैठ जाए तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, ठीक वैसे ही यहां पे भी गर्मी रहती है। आइए पढ़ना शुरू करते। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, मैंने भी बताया कि सन यहां पे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट ये अपना मरकरी ही है, है ना। सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी ही है, क्लोजेस्ट टू सन, बिल्कुल सही बात है, सन के सबसे करीब मरकरी ही है। आगे आते हैं, मरकरी में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, मरकरी में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, यानी कि यहां पे जीरो एयर, यहां पे हवा एकदम नहीं होता है, नो एयर। यानी कि इसका साफ साफ मतलब यह है जब सन की रेज आएगी तो जो मरकरी है, मरकरी में इसको मान लेते हैं, जो मरकरी है वो गर्म हो जाएगा एक झटके में, ठीक है। लेकिन जैसे ही सनराइज सनसेट होगा, मतलब ये मरकरी घूम जाएगा पीछे, ऑब्वियसली रात हो रही है, सनसेट होगा तो मरकरी में एक भी एटमॉस्फेयर ना होने के कारण कोई भी हीट जो है वो ट्रैप नहीं होगा, वो फटाक से ठंडा हो जाएगा। एयर तो है नहीं कि एयर गर्मी रोकेगा, होल्ड करेगा, नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जो हीट भी है वो फटाक से ठंडा करेगा। और मरकरी रात में काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, दिन में काफी ज्यादा गर्म और रात में काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है मरकरी का। ये बात है मरकरी में, ओके। मरकरी कैन गेट सुपर हॉट ड्यूरिंग द डे, दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि एक भी उसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, लेयर्स नहीं है, कुछ भी गैसेस नहीं है, एयर नहीं है, तो डायरेक्ट जो सनरेज आता है वो मरकरी के उस पे जमीन पे लगती है डायरेक्ट, जो फटाफट मरकरी को गर्म कर देता है। बट एट द नाइट इट गेट्स वेरी वेरी कोल्ड, और रात में उतना ही जल्दी ठंडा भी कर देती है, और उस कारणवश वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है रात में, और दिन में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। वहां पे सर्वाइवल 0% है हम लोग का, वहां हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिन में एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है और रात में एक्सट्रीम ठंडी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, मरकरी के पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट मीन्स मून, मरकरी के पास एक भी मून नहीं है। आगे आते हैं, इट टेक्स ओनली 88 डेज। ध्यान दीजिएगा, मरकरी को पूरे सन का एक चक्कर लगाने के लिए सिर्फ 88 डेज दिन का ही जरूरत होता है। 88 डेज में ही इसका एक साल हो जाता है, है ना। और हमारे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 होते हैं, और लीप ईयर होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 366।
88 डेज में इनका एक साल हो जाता है। क्यों होता है जी इतना? क्योंकि मरकरी जो है सन के सबसे करीब है, तो उसका जो रोटेशन रेवोल्यूशन जो करेगा, वो रेवोल्यूशन जो सन का जो चक्कर लगाएगा वो क्या होगा, बहुत इजीली एकदम पास से कर रहे हैं तो बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए इसको बस इतना ही चक्कर की जरूरत होती है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड है आपका वीनस। सेकंड क्या है? वीनस। हमने मरकुरी पढ़ लिया, वीनस के आगे आ जाते हैं। वीनस क्या है? वीनस जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, यानी कि वीनस बहुत ज्यादा चमकता है, चमत्कार एकदम, मतलब आप उसको देख नहीं सकते, इतना ज्यादा वो स्काई में शाइन करता है। अगर आप कभी कभार जैसे वीनस को अगर देखना है तो आप सम टाइम आप अर्थ अपने घर से छत की तरफ देखिए और कंटिन्यूसली देखिए, एक बहुत ज्यादा शाइनिंग स्टार अगर मिल रहा है आपको, वो बिल्कुल भी ट्विंकल नहीं कर रहा है, बस एज इट इज वो चमक रहा है, तो समझ लीजिए वो कोई प्लैनेट है। ठीक है, कोई भी एक प्लैनेट हो सकता है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो वीनस ही या वीनस ही वो, ठीक है, वो कोई भी एक प्लैनेट हो सकता है, बट वीनस क्योंकि हमारे सबसे करीब प्लैनेट है तो प्रोबेबिलिटी हमें वीनस ही दिख सकता है, और जरूरी नहीं है कि आपके छत पे अभी भी दिख रहा हो। ओके, आगे आते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा चमकता है ये वाला प्लैनेट। क्यों चमकता है ये अभी हम बता रहे हैं। सेकेंड प्लैनेट है, सीधी सी बात है, 1, 2 सन से सेकेंड प्लैनेट पे ये है, ठीक है। ओके, वीनस इज ऑलमोस्ट द सेम साइज। अच्छा, वीनस जो है और अर्थ जो है इसका साइज जो है ऑलमोस्ट सेम है। वीनस और अर्थ का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, इनके फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसीलिए वीनस को अर्थ का एक ट्विन्स मान गया है, ट्विन प्लैनेट, एक सिस्टर बोल दिया जाता है कि अर्थ की बहन सहेली सिस्टर कौन है? वीनस है। तो वीनस जो है अर्थ का ट्विन प्लैनेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि वीनस का जो साइज है वो अर्थ के साइज की तरह है, सेम साइज है, लेकिन वीनस जो है वो हल्का है। अर्थ वीनस साइज सेम है लेकिन वीनस जो है वो हल्का है, अर्थ जो होता है वो हैवी है, तो वीनस में जो ग्रेविटी है वो भी बहुत कम रहती है। ओके, वो भी फर्दर बात है। अर्थ सिस्टर प्लैनेट क्या है? अर्थ सिस्टर प्लैनेट इज वीनस। इसका रीजन मैंने बता दिया है, क्या है इसका रीजन? ये है क्योंकि वीनस जो है आपका अर्थ के सिमिलर साइज में है। चलिए आइए, वीनस में एक और चीज होती है, वीनस जो होता है वो काफी गर्म प्लैनेट होता है। सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट कौन सा है? वीनस ही है। क्यों गर्म है इतना ज्यादा? देखिए, जो नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी, वो सन के करीब होने के बाद भी गर्म ठंडा दोनों रहता है, लेकिन वीनस जो है वो रात हो चाहे दिन हो चाहे शाम चाहे सवेरा, कोई भी समय हो, वीनस बहुत ज्यादा गर्म रहता है। द रीजन इज वीनस के पास जो आप देख रहे हैं, वीनस के पास ना ये आपको शेड लाइट रेड में शेड दिख रहा है, इसको हम एटमॉस्फेयर मान लेते हैं। ये वीनस के पास ना एटमॉस्फेयर लेयर जो है वो काफी ज्यादा थिक है, वो इतना थिक होने के कारण जब सनरेज आती है, जब भी सनरेज आएगी तो ये बाहर ना जाके ये यहीं पे ट्रैप हो जाएगी सनरेज, यहीं पे ट्रैप हो जाएगी सनरेज, यहाँ पे ट्रैप होती जा रही है सनरेज। ओके, जब सनरेज ट्रैप हो रही है तो सनसेट भी हो जाएगा तो भी तो ये गर्मी वहां पे बरकरार रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप है सनरेज, तो वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है। और यहाँ पे एक और रीजन होता है, सल्फरिक ऑक्साइड, ये काफी ज्यादा ये गर्म एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सिर्फ इस कारणवश, सिर्फ यही रीजन है कि हम लोग यहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन ना के बराबर है, एकदम है ही नहीं मान लीजिए, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड 1% है, जिसमें एक हम एक थोड़ा सा ऑक्सीजन मान सकते हैं, लेकिन हम वहां पे एक सेकेंड भी वहां पे हम वीनस में सर्वाइव नहीं कर सकते। वीनस में इतना डेंजर वो एटमोसफेयर क्रिएट किया गया है, वहां पे हमेशा वॉल्केनिक होता रहता है, वॉल्केनिक लावा फूटता रहता है, है ना, तो वीनस इज वेरी डेंजरस। ओके, आगे बढ़ते हैं, वीनस के पास, वीनस हैज अ वेरी थिक एटमोसफेयर मेड मोस्टली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड का उसका जो एटमोसफियर रहता है, ये जो एटमोसफियर है ये किस चीज का है? मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड का है, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और वीनस जो है द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है, सबसे ज्यादा गर्म होने वाला प्लैनेट है वीनस। अब जब इतना गर्म प्लैनेट है, आपको लगता है कि वहां पे पानी बचेगा?
पॉसिबल ही नहीं है, वो वेपर हो जाएगा, पूरा पानी एवोपरेट हो जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ आते हैं एक बहुत सुंदर प्लैनेट की तरफ जहां पे हम रहते हैं, अर्थ। द थर्ड प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम इज अर्थ, और जहां पे हम रह रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, है ना। यहाँ पे पानी है, ऑक्सीजन है, ग्रीनरीज है, आपको जो भी, हम ह्यूमन को जीने के लिए जो भी चीज नेसेसरी है वो सारा चीज हमें कौन दे रहा है, अर्थ से बराबर मिल रहा है। अर्थ देखिए कितना स्मूथ एंड कितना अच्छा, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, है ना। तो आइए अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ ही एक ऐसा है जहां पे क्या है, लाइफ है, है ना। द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम नोन टू हैव अ लाइफ, नोन टू हैव अ लाइफ। अर्थ को हम लोग एक चीज और नाम से जानते हैं, इट इज ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, जब भी हम स्पेस से देखेंगे, जब भी हम अर्थ को स्पेस से देखेंगे, यानी कि अर्थ से बाहर निकल के हम लोग, वो मान लीजिए किसी स्पेसशिप में बैठ के हम लोग बाहर चले गए, अर्थ के एटमॉस्फेयर से एकदम बाहर चले गए, फिर बाहर से हम अर्थ को देख रहे हैं गोल्ड बॉल जैसा, तो हमें कौन से कलर में अर्थ दिखता है, हमें अर्थ दिखता है इस कलर में, ब्लू कलर में। इसीलिए अर्थ जो होता है आपका ब्लू प्लैनेट कहलाता है। और ब्लू दिखता क्यों है ये, क्योंकि अर्थ के पास सबसे ज्यादा परसेंटेज वाटर है, सी लेवल बहुत ज्यादा है, सी बहुत ज्यादा है, लैंड उतना ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए अर्थ जो है ब्लू कलर का दिखता है। ओके, अर्थ थर्ड प्लैनेट है, ये बात सही बात है। अर्थ के पास जो एक और पॉइंट है, अर्थ के पास जो एटमॉस्फेयर लेयर है वो थोड़ा थिन है वीनस से, लेकिन इतना सूटेबल है हमारे लाइफ के लिए, उससे ज्यादा नहीं, है ना। हमारे अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर लेयर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का यहां तक है, देखिए दिख रहा है, बस इतना ही पतला हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है। एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में मैं आपको ये पूरा किसी और क्लास में बता दूंगी, एक और क्लास ले लेंगे जिसमें हम एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में आपको पूरा बताने वाले हैं, बता देंगे, ठीक है। अगर सच में आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करो आप, चलो ठीक है। इस एटमॉस्फेरिक लेयर होने के कारण हमारा जो अर्थ है वो मॉडरेट रहता है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है, बहुत अच्छा बैलेंस करता है एटमॉस्फेयर का ये, सिर्फ इतने ही लेयर के कारण। जब बहुत ज्यादा लेयर था तो वीनस का देखा था आपने, वहां पर इतनी गर्मी पड़ने लगी थी कि कहने की नहीं थी। अर्थ के पास एकदम बढ़िया सूटेबल था एटमॉस्फेयर, कि उतना ही पतला है जिसमें हम रह भी सकते हैं और बढ़िया वेदर भी हमारा वो रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विद लिक्विड वाटर ऑन इट्स सरफेस। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे वाटर प्रेजेंट है, है ना। वाटर जो हमें मिला है वो सिर्फ अर्थ में मिला है और आज तक किसी भी प्लैनेट में नहीं मिला है। एविडेंस मिले हैं, बिल्कुल सही बात है, पानी का सबूत जरूर मिला है दूसरे प्लैनेट्स में, एविडेंस जरूर मिला है, लेकिन पानी किसी भी प्लैनेट में नहीं मिला एक्सेप्ट अर्थ, ठीक है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर। आगे आते हैं। अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड मून। हमारे अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक लौता नेचुरल सैटेलाइट है जिसे पूरी दुनिया वालों ने देखा है, उसका नाम है मून। अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो एक बार वीडियो पॉज करिए और जाके देखिए आपके घर पे मून दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर क्लाउडी ना हो तो। आइए आगे बढ़ते हैं। मार्स, मार्स जो है आपका फोर्थ प्लैनेट है, और मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। देखिए रेड कलर का दिख रहा है, आप कहेंगे मैम ब्राउन दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है, इट इज लुक लाइक अ रेड कलर। ओके, मार्स हैज अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर कंपेयर टू अर्थ। मार्स का जो एटमॉस्फेयर लेयर है वो बहुत पतला है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शेड जो है वो बहुत ज्यादा पतला है एटमॉस्फेयर लेयर, तो जिसके कारण यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हीट ट्रैप नहीं हो पाती है, है ना। जब बहुत ज्यादा हीट ट्रैप नहीं हो पाती है तो वो नॉर्मली बहुत मतलब गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा, जल्दी जल्दी होगा, बट आपका वीनस और मर्कुरी की जरा हालत नहीं है इनका हालत, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ले रहे हैं, बहुत पतला एटमॉस्फेयर ले रहे हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। मार्स इज अ मच कोलर देन द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे जब सन सनरेस ट्रैप नहीं हो रहा है तो यानी कि मार्स क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा,
सनरेज आई, गर्म किया फिर चला गया, आया गर्म किया चला गया, ठंडा हो गया, दिन में गर्म हल्का सा, रात में एकदम ठंडा हो जा रहा है। तो इसी कारणवश क्योंकि एटमॉस्फेयर लेयर जो होता है इट इज लाइक अ ब्लैंकेट, वो आपको ढक के रखता है। जैसे सनरेज आता है तो सनरेज को वो होल्ड कर लेता है, ग्रैप कर लेता है फटाक से, तो और जैसे ही ग्रैप कर लिया तो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाएगा। मगर जब ब्लैंकेट ही उनका पतला चादर है, लेनिन का चादर है, एकदम पतला सा चादर है, तो आपको लग रहा है कि वो हीट को ट्रैप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो प्लैनेट है आपका ये मार्स, वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, बहुत ज्यादा भी नहीं बोल सकते, अर्थ से हल्का ठंडा रहता है, मॉडरेट रहेगा, मतलब सर्वाइव करने से कर सकते हैं हम लोग, बट ठंडा रहता है अर्थ के कंपेयर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मार्स जो है, मार्स के लिए अक्सर हमें साइंटिस्ट लोगों ने काफी ज्यादा रिसर्च किया था, कहा था कि मार्स में पानी है, ये है वो है, मगर मार्स में ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि मार्स में कुछ एविडेंस पाए गए थे कि वहां पे पहले हो सकता है लॉन्ग 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 ईयर एंशियंट टाइम में कभी जीवन में कभी वहां पे रिवर हो, वहां पे लेक हो, ओशंस हो, है ना, वैसे कुछ एविडेंस पाए गए हैं, एविडेंस देखे गए हैं ताकि वहां पे पानी हो। हमारे इलॉन मस्क जी हैं जो लगे हुए हैं मार्स में जाके अपना लाइफ सेट करने के लिए, अगर ऐसा हो जाता है पॉसिबली तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी। आइए तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम पानी की जो खोज है वो लगी हुई है, अगर पानी हमें मार्स में मिल जाता है या तो पानी हम वहां पे बना सकते हैं किसी भी कारणवश, कोई केमिकल्स वो हम CO2 H2O मिला के, तो वहां पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं उस पे अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। हम बस लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम उम्मीद लगा है, पॉसिबिलिटीज है कि वहां पे हम जी सकते हैं, वहां पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। आइए अब हमने पढ़ लिया है आगे के चार प्लैनेट्स, मरकुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये चारों प्लैनेट को हमने पढ़ लिया। ये चारों प्लैनेट का नाम हम बोला जाते हैं, चारों प्लैनेट कंबाइनली बोले जाते हैं टेरेस्ट्रियल बोले जाते हैं, ये चारों प्लैनेट कंबाइनली बोले जाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब आप बढ़ने वाले हैं बड़ों की तरफ, जायंट्स की तरफ, जो बड़े बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं, उनकी तरफ बढ़ने वाले हैं, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, चलो अब ये जो प्लैनेट्स हैं जो बड़े बड़े हैं ना, वहां के एटमॉस्फेयर भी बहुत खतरनाक है, है ना। आगे आते हैं जुपिटर पे, जुपिटर ह्यूज प्लैनेट, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, इसमें बहुत सारे अर्थ आ जाएंगे, मोर देन 1000 अर्थ इस जुपिटर में घुस जाएंगे, अर्थ ये जुपिटर इतना बड़ा है, समझ रहे हैं आप जुपिटर कितना बड़ा होगा, बस इमेजिन करिए अगर इसमें थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स अर्थ इसमें घुस सकते हैं, इतना बड़ा जुपिटर है, ठीक है। आइए जुपिटर के बारे में बताएं, लार्जेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बड़ा है ये। अच्छा जुपिटर में ना एक बहुत बड़ी, अच्छा जुपिटर आप देख लीजिए पहले कहां पे है, पहले मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर, फिफ्थ प्लैनेट है हमारा जुपिटर, ओके ये है जुपिटर। जुपिटर में आप देख रहे हैं ये रेड, ये स्पॉट देख रहे हैं ये रेड कलर का, ये स्पॉट्स कैसे आए हैं, ये आए हैं जुपिटर में ना जो एयर है, साइक्लोन जो है ना बहुत स्पीड है, जो हवा है बहुत ज्यादा स्पीड बहती रहती है हमेशा, यहाँ पे ये साइक्लोन हर टाइम चलता रहता है, साल दो साल तीन साल चार महीना पांच महीना हमेशा आता रहता है, जिसके कारण जुपिटर में बहुत ज्यादा लॉस होता है, और ये जो आप ऐसे देख रहे हैं ना ये गोल 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 गोल, ये साइक्लोन के कारण ही आता है, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा तेज होती है, है ना जी। आगे आते हैं रेड स्पॉट्स, ग्रेट रेड स्पॉट्स, ये रेड स्पॉट के कारण ही हम जुपिटर को फाइंड कर सकते हैं कि हाँ जी ये है जुपिटर, है ना, टेलीस्कोप लगा के हम जुपिटर देख रहे हैं, अगर ये रेड स्पॉट दिख गया तो समझ लीजिए ये कौन सा प्लैनेट है, जुपिटर ही है, ओके। आइए इससे पहले वाले में हमने किसी में भी देखा, किसी में भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं था, मतलब किसी के पास भी मून नहीं था सिवाय अर्थ के पास, अर्थ के पास एक सिंगल मून था ये, ठीक है। मगर जुपिटर के पास आते हैं तो जुपिटर के पास आपका 79, बाप रे, अगर आप किसी दिन जुपिटर में जाके एक हार्ड बिस्तर लगा के बाहर बैठ के ऐसे लेट के आप देखेंगे तो आपको स्काई में कितने मून दिखेंगे, 79 मून दिखेंगे सीधा ऊपर, स्टार से ज्यादा तो आपको मून ही दिख जाएंगे, इतना वहां पे वो है। अ डे ऑन अ जुपिटर इज वेरी शॉर्ट, जुपिटर में
जो डे है वो काफी छोटा होता है, मगर क्यों ऐसा होता है, ये ऐसा सिचुएशन क्यों है, क्योंकि जुपिटर जो अपनी जगह पे रोटेट करता है, है ना, रिवॉल्व करता है, वो कितना है, वो थोड़ा स्पीड है, वो काफी स्पीड है। हम वहां पे अगर आप कहोगे कि मैम वहां पे मैं जुपिटर में खड़ा हूं, तो इतना तेज घूमेगा कि हो सकता है आपको चक्कर आने लगे, ये मान लीजिए। ऐसा होता नहीं है वैसे, जुपिटर में हम जा नहीं सकते अभी, बहुत दूर है, ठीक है। तो ये जो है वेरी शॉर्ट, क्या शॉर्ट, डे, डे काफी छोटा होता है। कितना छोटा होता है, सिर्फ 10 घंटे का तो दिन होता है उनका, सिर्फ 10 घंटे का तो दिन होता है, फटाक से फिर रात लग जाती है, है ना। ओके, अच्छा, एक जुपिटर को, इतना बड़ा जुपिटर को, सन के, सन इससे भी बड़ा है, आप सोच लीजिए, जुपिटर से भी बड़ा सन है, आप सोच लीजिए, जुपिटर को सन का एक चक्कर लगाने के लिए, जुपिटर में एक साल कब कितने टाइम पे होता है, जब आपका 12 ईयर अर्थ पे होता है, यानी कि अर्थ 12 बार चक्कर लगा ली सन का, और वहां जुपिटर बस एक बार चक्कर लगाई है। कितना दूर है, कितना दूर से जुपिटर को रिवॉल्व करना पड़ता है सन का, है ना। आइए जुपिटर के बाद आते हैं सैटर्न पे, आइए सैटर्न, सैटर्न को एक बार देखिए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट। और क्यों, क्योंकि ये जो इसके जो रिंग है, है ना, ये जो रिंग बने हैं वो आइस पार्टिकल से और आपके स्टोन पत्थर वत्थर ये सबसे, ये ना इससे बने हुए हैं, ये सारे इसमें ट्रैवल करते रहते हैं। इस सैटर्न जो रिंग है, इसके कारण ये सैटर्न जो है बहुत ब्यूटीफुल कहलाता है, है ना, और दिखता भी है। सैटर्न इज अ सिक्स्थ प्लैनेट, सीधी सी बात है, पता चल गया भाई, सैटर्न सिक्स्थ प्लैनेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल सही बात है, सैटर्न इज अ सिक्स्थ प्लैनेट। सैटर्न जो है, जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है, सेकंड नंबर पे आते हैं कौन, सैटर्न खुद आते हैं, देखिए सबसे बड़ा फिर छोटा, ओके, सैटर्न हमारा है सेकंड नंबर पे, द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। आगे बढ़ते हैं, Saturn ring are perhaps its most famous feature. This ring are made up of billions of ice particles ranging in the size from tiny grains to the large chunks. बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, आइस, ये सारे पत्थर कहाँ हैं? ये Saturn के rings में हैं। ये घूमते रहते हैं, इसी rings में घूमते रहते हैं, है ना, और यही चीज रिंग बना देती है, ये कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमते रहते हैं। तो जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, रिंग्स दिखता है, वो कुछ होता थोड़ी है, वो आइस पत्थर वत्थर, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, चंक्स होते हैं बहुत सारे, है ना, तो ये सारे चीज आपके ये दिखते हैं। Saturn has a lovely set of 7 main rings with a space between them. Okay, Saturn के पास जो है ना वो 7 रिंग्स है, आप अगर ऐसे देखेंगे, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4, 5, 6 और एक रिंग ये रहा आपका 5, 7। सैटर्न के पास 7 रिंग्स हैं जो मेनली हमें पता चलता है, सैटर्न के पास मेनली 7 रिंग्स हैं जो हम दूर से विजिबल है, वैसे रिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन 7 रिंग जो है वो ज्यादा अच्छे से विजिबल होता है, वो बड़े बड़े हैं। आगे आते हैं, सैटर्न के पास जो है 82 मून्स हैं, कितना मून है, 82 मून्स हैं सैटर्न के पास है, ठीक है। सैटर्न इज प्राइमरी कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। सैटर्न जो पूरा ये है, ये प्लैनेट है, ये किस चीज से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना हुआ है, इसीलिए सैटर्न बड़ा तो बहुत है लेकिन हल्का बहुत है, है ना, हल्का बहुत है। वन डे ऑन सैटर्न गोज, सिर्फ एक दिन सैटर्न में इतना ही टाइम लगता है, यानी कि सैटर्न की जो स्पीड है, रेवोल्यूशन का जो स्पीड है, ये जो अपना रेवोल्यूशन का जो स्पीड है वो इतना स्पीड, इतना तेज है कि यहाँ पे जो हवा है वो काफी ज्यादा स्पीड बहता है, तो हम लोग को यहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। पहली चीज तो वाटर नहीं है, चलो वाटर हम कहीं से जुगाड़ भी कर लिए, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर, इतनी ज्यादा तेज हवा चलती है, हम यहाँ पे खड़े ही नहीं रह सकते, इतना तेज घूमता है ये सैटर्न, बस इतना ही बस 10.7 आवर, हमारा 24 आवर का दिन होता है, एक दिन हमारा 24 आवर का होता है, इनका सिर्फ 10.7 आवर का होता है। ओके, सैटर्न में जो एक साल बीतता है तो हमारे अर्थ में 29 ईयर्स,
यानी अर्थ और सैटर्न में अगर कोई दो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो अर्थ में 29 ईयर का बच्चा हो जाएगा, जब सैटर्न में वो एक साल का बच्चा होगा। अंतर देख रहे हैं, 29 ईयर लगता है सैटर्न को सिर्फ सन का एक चक्कर लगाने के लिए। बहुत बड़ा है भाई ये सर्कल, बहुत बड़ा है जी। आगे बढ़ते हैं। ओके, यूरेनस, यूरेनस पे आ जाते हैं। यूरेनस जो है ब्लूइश ग्रीन कलर का है, देख लीजिए, दिख रहा है आपको ब्लूइश ग्रीन कलर का? सही बात है, ब्लूइश ग्रीन कलर का यूरेनस है। आगे बढ़ते हैं। यूरेनस के प्रेजेंस ऑफ अ मीथेन गैस, यस बिल्कुल सही बात है। यूरेनस के पास जो है, यूरेनस के जो एटमॉस्फेयर में है सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सा प्रेजेंट है? मीथेन। देखिए इसमें मीथेन होता है, जब भी सनलाइट आती है तो जो रेड कलर की लाइट आती है मीथेन गैस क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो पर्पल ब्लू ये वाली शेड होती है वो लाइट क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे ही वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे सनलाइट आई, सन की व्हाइट लाइट होती है, तो ये मान लेते हैं ओके, सन से रेड लाइट जो मिली मुझे वो मैंने एब्जॉर्ब कर लिया है ना, लेकिन जो ब्लू लाइट आई वो क्या हुआ? वो रिफ्लेक्ट हो गई, वापस चली गई ना जी, वापस चली गई। तो जो ब्लू लाइट गई है वो वापस उल्टी चली गई, बाकी रेड लाइट सब अंदर अंदर आ गई। तो हमें दिखेगा क्या? बाहर से आप खड़े होके देख रहे हैं, चश्मा लगा दीजिए, मान लेते आप हैं यहां, हाँ, तो आपको क्या कलर दिखेगा? रेड दिखेगा कि ब्लू दिखेगा? ऑब्वियसली ब्लू दिखेगा, इसीलिए ये कलर आपको दिखता है। मीथेन रेड एब्जॉर्ब करता है एंड ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमें ब्लू कलर दिखता है, ग्रीनिश कलर दिखता है। आगे आते हैं, सेवन प्लैनेट है, बिल्कुल सही बात है। ओके, यूरेनस में 27 नंबर्स ऑफ मून है, और ये जो मून्स हैं, जो 27 जो लिखा जा रहा है 27, 88 ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि और मून नहीं है। 27, 88 ये सब मून ना हमने खोज लिए हैं, ये सब डिस्कवर्ड हो चुके हैं, और भी ऐसे उस पर काम चल रहा है, और भी मून बढ़ सकते हैं, है ना, और भी बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के डेट में इतने 27 मून्स नोन है एंड 13 रिंग्स, इसके पास क्या है? 13 रिंग्स है। और लेकिन इस रिंग में और सैटर्न की रिंग में बहुत अंतर है। क्या है जी? ये जो यूरेनस है सैटर्न में, देखिए यहां से रिंग था, ऐसे 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 था, लेकिन यहां पे रिंग जो है वो ऐसे जाती है, ऐसे गोल, ऐसे वर्टिकली गई थी रिंग, रिंग की थी वर्टिकली जा रहा है। और जो ये प्लैनेट है ये घूम भी किस डायरेक्शन में, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये भी वर्टिकल में घूम रहा है। बाकी सारे प्लैनेट ऐसे घूम रहे थे, है ना, लेकिन ये वाली प्लैनेट कैसे घूम रहा है? ये वर्टिकल घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे, है ना। बाकी प्लैनेट सब ऐसे घूमते हैं, बाकी यूरेनस कैसे घूम रहा है? ऐसे ऐसे उल्टा वर्टिकल में, इसमें हॉरिजॉन्टल का कोई स्कोप ही नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके पास जो रिंग है, जो यूरेनस के पास जो रिंग है वो कितनी है? ये आपकी 13 रिंग है, यहाँ पे कितनी रिंग है? 13 रिंग है। अच्छा, वर्टिकल जो इसका रोटेशन होता है, इसके कारण क्या क्या होता है उसके बारे में आगे देख लीजिए, थोड़ा सा आइए देख रहे हैं। वन ईयर जो यूरेनस में होता है, हमारे अर्थ में तब तक 84 ईयर हो चुका होगा। अगर एक साल हमारे अर्थ में हो रहा है और यूरेनस में 84 ईयर, सॉरी यूरेनस में अगर एक साल हो रहा है तो अर्थ में आपका कितना साल बीत चुका है? 84 ईयर, यानी कि बच्चा अब बूढ़ा हो रहा है, हो गया होगा, इतने में तो बूढ़े हो जाते हैं, है ना। 84 ईयर लग जाता है इसको करने में। चलिए आगे आते हैं। कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। क्यों ठंड पड़ती है? मैंने अभी बताया, इसके पास जब भी ठंड पड़े ना पड़े, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो इसका रिलेशन डायरेक्ट डायरेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक लेयर के कारण, है ना। यहाँ पे मीथेन गैस है, एटमॉस्फेरिक लेयर है नहीं उतना, तो ये क्या कर रहे हैं? ठंडा कर दे रहे हैं बहुत ज्यादा, और सन से भी ये काफी दूर है, बहुत से दूर है ना। सन की लाइट देखिए ना, सन की लाइट यहाँ पहुंचते पहुंचते काफी हल्की हो जा रही है, यहाँ पे बहुत हल्की हो जा रही है, इतना दूर, बहुत दूर है, और यहाँ है, इतना दूर हो जा रहा है, तो कितना सन का जो पावर है, स्ट्रॉन्गनेस है, वो कम नहीं हो रहा है, हीट थोड़ी कम नहीं हो जाएगी, इसीलिए कोल्डेस्ट है, है ना। आइए आगे बढ़ते। यूरेनस इज टिल्टेड टू सच एन एक्सट्रीम डिग्री दैट रोटेट हॉरिजॉन्टली, सीधी सी बात मैंने भी बताया,
इसका जो यूरेनस है इसका जो रोटेशन है वो बहुत ज्यादा उल्टा है, बाकी सबका हॉरिजॉन्टल ऐसे रहता है, इसका जो है वर्टिकली होता है। आगे पढ़ते हैं, दिस गिव अस यूरेनस रोटेट हॉरिजॉन्टली, यूरेनस वेरी अनयूजुअल सीजन। यूरेनस में जो होता है इसी कारणवश क्योंकि ये ऐसे ऐसे घूमता है, है ना, तो इसके कारण क्या है, ये यूरेनस का जो मौसम है, वेदर है, वो बहुत अनयूजुअल होता है। किस किस कारणवश? इसका रीजन ये है, यूरेनस में अगर दिन होगा तो 42 ईयर डे होगा सिर्फ एक साथ, और जब रात होगी एक साथ 42 ईयर रात होगा लगातार। वो सन का फेस रहे, क्योंकि सन का फेस ऐसे वर्टिकल घूम रहा है तो वो तो सामने ही रहेंगे ना जी, वो थोड़ी पीछे जाएगा। तो 42 ईयर जो है यूरेनस में कंटिन्यूसली डे होता है, और 42 ईयर कंटिन्यूसली यूरेनस में क्या होगा, डार्क होगा, नाइट होगा। आइए, यूरेनस के बाद लास्ट प्लेनेट है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून में पढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेपच्यून हैज अ डीप ब्लू कलर, क्यों है जी डीप ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर ये भी है, यूरेनस भी ब्लू कलर था, प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैसेस। बहुत सही बात है, मीथेन गैसेस इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो रेड लाइट एब्जॉर्ब, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया है, रेड लाइट ये एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है ब्लू लाइट। वन ईयर ऑन ए नेपच्यून इज द 165 ईयर होता है अर्थ का, अगर नेपच्यून का एक साल हो रहा है तो अर्थ के इक्विवेलेंट में कितना होगा, 165 ईयर होगा अर्थ में, ठीक है जी। इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 16 आवर, मेक इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट इन द आवर सोलर सिस्टम। ये बहुत तेज घूमते हैं, ये सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट है हमारे पास, इतना तेज सड़ाक से घूम जाएंगे कि, और इसको टाइम कितना लगता है, एक दिन बस कवर करने के लिए इनको लगता है 16 घंटा में एक दिन फटाक से कवर कर लेते हैं। ओके, इन नेपच्यून के पास 14 नोन मून्स हैं, अब बाकी चीज अभी प्रूवन नहीं है। ये रहा हमारा लास्ट प्लैनेट, एक बार और रिवाइज करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट फोर प्लैनेट थे उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल, है ना, जो फर्स्ट फोर प्लैनेट थे उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और द फर्दर फोर प्लैनेट्स यानी कि 5, 6, 7, 8, हमारे पास 8 प्लैनेट्स है ना, फर्स्ट फोर प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल कहते हैं, 5, 6, 7, 8 को कहते हैं गैस जाइंट। गैस जाइंट से ये सब है, क्योंकि ये सब प्लैनेट क्या है, सबसे ज्यादा जो बने हैं ये गैसेस से बने हुए हैं, है ना। आइए एक बार और रिवाइज कर देते हैं, लास्ट टाइम है रिवीजन के लिए, आप लोग ना साथ में बोलिए, नहीं बोलेंगे और स्पेलिंग भी लर्न करते चलिए वो भूल जाएंगे आप लोग, है ना। आइए देखते हैं, पहला है सोलर सिस्टम में सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, अर्थ आपका जहां पे हम लोग रहते हैं, हमारे खुद के घर का नाम है अर्थ, है ना, अर्थ जहां पे आप लोग हैं, मार्स, बोलते चलिएगा साथ साथ में बोलते रहिएगा, स्पेलिंग भी देखते रहिएगा, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। उम्मीद है आपको सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के बारे में पता चल गया है, अर्थ के नेबर में कौन है ये भी पता चल गया है, बाकी सारे प्लैनेट्स के नेबर में पता चल गया है, सन कहां प्रेजेंट करता है, सन का काम क्या है मैंने ये भी देख लिया है, कौन से प्लैनेट में लाइफ है कि पॉसिबल नहीं है वो भी हमने पता किया कि कौन से प्लैनेट में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, कौन सा प्लैनेट बहुत ज्यादा ब्राइटन है लेकिन गर्म बहुत है, हमने सारे प्लैनेट के बारे में थोड़ी थोड़ी और बहुत अच्छी अच्छी बातें जानकारी ली है। होप आपको आज की क्लास बहुत मजेदार, मजा आया होगा। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस क्लास एंड प्लीज डू कमेंट, आपको कोई भी डाउट जो आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक पढ़ने का इच्छा है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट में लिखिए, मैं जरूर उस पर भी वीडियो जल्द से जल्द ले आऊंगी। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना जुड़े हुए थे, थैंक यू।